Hello guys, how are you? Today I am bring you a very special language class that present continue, how to make interrogative in present continue. Subscribe my channel and bell icon ताकि मेरी आने वाली तमाम videos की update आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें. आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की एक बहुत ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कि प्रेजेंट कंटिन्यू में जो है आप इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले किस तरह से बनाएंगे, सवाली जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं और ये किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आज मैं आप लोगों को अपनी क्लास में समझाऊँगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं. इंटरोगेटिव इन प्रेजेंट कंटिन्यू. एज वी लर्न बिफोर दैट इंटरोगेटिव इन प्रेजेंट इंडेफिनेट सेम लाइक दैट वी कैन मेक इंटरोगेटिव इन प्रेजेंट कंटिन्यू जस्ट चेंज फार्मूला. जैसा कि पहले आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो है ये इंटरोगेटिव जो है प्रेजेंट कंटिन्यू में भी बनाए जाते हैं. बस इसमें करना क्या होता है कि इसमें जो है फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो है वो यूज़ होते हैं और वर्ब के साथ जो है ING यूज़ होता है. ये किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, किस तरीके से बनते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आज आप लोगों को अपनी वीडियो में बताऊँगा. मेरी वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज की एक बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो है समझ में आ सके. मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आता रहूँगा. आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यू को तो समझ चुके होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट को भी समझ चुके हैं. बस ये मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यू की तकरीबन लास्ट क्लास समझा रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यू में सवालिया जुमले जो हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं. तो चलिए आइए ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू में इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला किस तरीके से बनाया जाता है. ये देखें, ये इसका फार्मूला आ गया है. वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों को वीडियो समझ में आ सके. फार्मूला ऑफ इंटरोगेटिव कंटिन्यू यानी प्रेजेंट कंटिन्यू का जो है इंटरोगेटिव का फार्मूला इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट. इज MR जो है ये हेल्पिंग वर्ब हैं, सब्जेक्ट जो होता है आई शी हिट ही इट वगैरह जो होते हैं और वर्ब के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब कम्स आउट बिटवीन द सेंटेंस व्हेन वी मेक इंटरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यू. यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो जुमले के बीच के अंदर से जो है बाहर आ जाता है यानी स्टार्ट में आ जाता है, बाकी जुमला सेम ही रहता है. इस तरीके से जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है और इंटरोगेटिव में जो है क्वेश्चन मार्क आगे आ जाता है, बाकी जुमला सेम ही रहता है. ये हेल्पिंग वर्ब जो है इनको हम सेंटेंस से पहले इस्तेमाल कर रहे होते हैं यानी सब्जेक्ट से पहले जो है ये हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, इसी तरीके से जो है ये इंटरोगेटिव बन जाता है. और इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं ये तमाम चीज़ें मैं आज आप लोगों को अपनी वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा भी और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँगा. वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है इंटरोगेटिव की ये कंटिन्यू की क्लास समझ में आ सके. तो चलिए आइए आपको ये मैं इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस जो हैं वो बनाना सिखाता हूँ. बना के रखे हैं मैंने, ये किस तरीके से बनते हैं देखें. ये मैं पहला जुमला बनाया है मैंने, Am I प्लेइंग वेल, क्या मैं अच्छा खेल रहा हूँ. ये कंटिन्यू का जुमला है जो कि इंटरोगेटिव हो गया, सवालिया बन गया है, क्वेश्चन मार्क लगा है, हेल्पिंग वर्ब बाहर है इसके. और उसके बाद आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो. इज सी टॉकिंग टू मी, क्या वो मुझसे बातें कर रही है. इज़ ही वॉचिंग टेलीविज़न, क्या वो TV देख रहा है. ये जो है इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस हैं. इसी तरीके से आप जो है बहुत जुमले बना सकते हैं. आपके पास अगर जनरल वोकैबुलरीज हैं, वर्ब हैं, ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है. इसी फार्मूले के तहत जो है सिर्फ आपने वर्ब चेंज करना होगा और ऑब्जेक्ट जो आप लोगों ने लगाना है वो ऑब्जेक्ट लगाना होगा और आप ख़ुद ही जो है प्रेजेंट कंटिन्यू का इंटरोगेटिव बना सकते हैं. ये तमाम जुमला आप लोग बआसानी बना सकते हैं. आप लोगों को ये क्लास ज़रा अच्छी तरीके से समझ लेनी है ताकि आप लोग खुद जुमले बना सकें और जुमले बना के जो है मुझे अपनी कमेंट्स के अंदर ज़रूर कमेंट्स किया करें ताकि मुझे समझ में आ सके कि हाँ आप लोगों को जो है ये मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं और मेरे समझाने का जो तरीका है वो समझ में आ रहा है. अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है, कुछ मुश्किल लग रहा है,
तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछा करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकूं। अगर आप मुझसे कमेंट्स में पूछेंगे तो ही मैं आप लोगों को बता सकूंगा और आप लोगों के लिए और मज़ीद अच्छी वीडियोस लेके आ सकूंगा। और ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ जनरल वोकैबुलरीज भी लिख रखी हैं। जनरल वोकैबुलरीज जो हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इनको अगर आप याद करेंगे तो आप स्पीकिंग पावर जो है आपका बहुत इम्प्रूव होगा, फ्लुएंसी आ जाएगी आपकी स्पीकिंग के अंदर। ये भी मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। एम्बेरेस परेशान होना, फेमस मशहूर होना, अफ्रेड खौफजदा, वेयर पहनना, लिसन सुनना। लिसन में जो टी है ये साइलेंट है, ये साइलेंट वगैरह क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को अगली क्लासेस में बताऊंगा अपनी। अच्छा, ये पुट ऑफ उतारना, कोई कवर वगैरह उतारना या कपड़े वगैरह जो उतार लेते हैं तो इसके लिए पुट ऑफ यूज़ होता है। तो ये जनरल वोकैबुलरीज भी जो है इनको भी ज़रूर याद कर लें, और इनको इतना याद करेंगे ये आपके माइंड में सेट हो जाए, फिट हो जाए। कहीं भी आपको बोलने हो तो आप लोगों के फ़ौरन दिमाग में ये वर्ड आ जाए। कहीं आपको ये वर्ड्स अगर यूज़ करने हैं तो आपको ये वर्ड्स याद होने चाहिए। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है ये वर्ड्स आपको याद होंगे। जनरल वोकैबुलरीज मैं अपनी क्लासेस में आप लोगों को देता रहता हूँ। ये तमाम वोकैबुलरीज जो है आप लोग बिल्कुल याद कर लिया करें, इनसे जो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जब आपके पास जनरल वोकैबुलरीज जितनी ज़्यादा होंगी और आपके पास फार्मूले तो मौजूद ही हैं काफ़ी, प्रेजेंट कंटिन्यू के, प्रेजेंट डेफिनेट के तकरीबन फार्मूले मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, तो आपकी जो स्पीकिंग है वह नॉन स्टॉप हो जाएगी। आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे। इन चीज़ों को याद ज़रूर किया करें, ये मेरा आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन एक मशवरा है। और ये मैं आप लोगों के लिए कुछ जो है स्पेशल सेंटेंसेस भी मैंने बनाए हुए हैं। ये स्पेशल सेंटेंसेस जो हैं कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनकी मीनिंग्स कुछ और ही होती हैं, लेकिन कुछ इस तरीके के होते हैं कि सेंटेंस आप लोग खुद भी बना सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि ये सेंटेंस भी बनाएँ और उनकी मीनिंग्स वगैरह को जो है गौर से देखें, पढ़ें, समझें, ताकि आप लोगों को जो ये सेंटेंस भी बनाना आ जाए। मैं आप लोगों को स्पेशल सेंटेंस भी जो है पढ़ के सुना देता हूँ। इवन वॉल्स हैव एयर, इसकी जो मीनिंग्स हैं ये हैं कि दीवार के भी कान होते हैं, यानी दीवारों के भी कान होते हैं। उसके बाद प्लीज़ टेल मी द टाइम, टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, टाइम के हवाले से भी जो है मैं आप लोगों के लिए और मज़ीद बेहतरीन क्लास लेके आऊँगा जिसमें टाइम के हवाले से आप लोगों को सब चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, टाइम वन लॉस कैन नेवर बी रिकॉल्ड, टाइम हैज़ गॉन, डोंट फॉरगेट मी। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप लोगों ने याद कर लेनी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरी वीडियोस को कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं ये समझ लूँगा कि स्टूडेंट्स भी जो है वो बढ़ रहे हैं, ताकि उन लोगों को इंग्लिश जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। और इंग्लिश जो है आप लोगों को जब भी समझ में आएगी जब आप एक दूसरे से इंग्लिश में बात करेंगे, बोलेंगे। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।